हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जगाधरी के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में जिले के शारीरिक शिक्षकों व अन्य शिक्षकों के लिए 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी जय कुमार व भार स्वामन के जिला अध्यक्ष सुंदर लाल सैनी की देखरेख में मुख्य योग शिक्षक अंकुश शर्मा व पूजा राणा व नविता द्वारा योग का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। दूसरे बैच का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 नवंबर तक चलेगा। दर्शन में सभी इसमें अपना अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी गई है, लेकिन महर्षि पतंजलि के अनुसार हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं। तो योग दर्शन में योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, योग की में जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना ही योग है। सांसारिक सभी चीजों से हटकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना और उस परमात्मा के नजदीक लेके जाना योग है। स्कूल के मुख्य मैदान में सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक शारीरिक शिक्षकों को शारीरिक क्रियाएं करवाई जाती हैं। रुकावट है वो दूर हो जाए, रुक कर रखे खींच रहे उसी स्थिति में। प्रशिक्षण स्थल पर शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ थ्योरी की क्लासें भी लगती हैं, जिसमें योग प्राणायाम व आसनों व षटकर्म के साथ साथ अन्य विषयों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। समय समय पर मेरे साथी जय कुमार जी ने कितनी अच्छी आपको जनरल जानकारी दी, और सुबह से आप यहाँ पर योग क्लास से लगा करके अपने रजिस्ट्रेशन अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो भी अपने बुक्स वगैरह सारा लेना उसके व्यस्त हो, और बहुत सारी चीजें आपने सीखने को आज यहाँ मिली होगी, लेकिन आज पहला दिन है, कुछ छोटी मोटी त्रुटियां भी रही होगी, उन सबको इग्नोर करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और सरकार ने एक बहुत अच्छा संकल्प लिया है आपके माध्यम से कि पूरे हरियाणा के अंदर हम योग को अनिवार्य करने जा रहे हैं। हमने इस शिविर के बारे में मुख्य योग शिक्षकों समेत अन्य व्यवस्थापकों से बातचीत की। नमस्कार, ये जो हमारा शिविर चल रहा है ये 8 तारीख से चल रहा है और 3 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ पे सभी जगह से छोटे छोटे गांव से और सभी कस्बों से जो पीटीआई डीपीआई टीचर आ रहे हैं, और इसके अलावा कुछ मैथ के साइंस के और भी टीचर हैं जिन्होंने कभी योग को देखा भी नहीं था तो वो सीख रहे हैं। यहाँ एक बैच हमारा चला गया, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा, हमारा भी एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा, और अब सेकेंड बैच चल रहा है, आज उनका फर्स्ट डे है। हमें पूरी उम्मीद है कि 7 दिनों में वो बहुत कुछ योग में यहाँ से सीख के जाएंगे और अपने स्कूल के बच्चों को भी योग में योग सिखाएंगे और इस देश को इस भारत को हमारे जो योग में बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा भी ये प्रयास है कि योग जो है धरातल पर आए और बहुत अच्छे से लोग इसको करें। जो 3rd बैच है वो 3 दिसंबर तक रहेगा। जी सर, सभी को नमस्ते। आज हम यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी में ये पीटीआई और डीपीई की 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित हुए हैं। एक शिविर हो चुका है जो 8 नवंबर से 18 नवंबर तक था, उसका कल समापन हो चुका था। ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना और हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें सहयोगी सुखानंद फाउंडेशन और जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हरिद्वार से बना हुआ है हमारा, उसमें इसका सहयोग रहा है। और ये मैं सरकार का बहुत अच्छा ये प्रयास है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर जी जो स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है, और आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी का ये बहुत अच्छा प्रयास है। उन्होंने इस योग को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये प्रयास किया है, ये प्रयास सराहनीय है। उन्होंने
हर एक स्कूल में एक टीचर को, यदि वहां पर पीटी आई या डीपी नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर को वहां से। जी ओम, मैं सुंदरलाल सैनी, अध्यक्ष भारत स्वाभिमान ट्रस्ट यमुनानगर। ये जो अभी हम ये जो योगा प्रोटोकॉल का हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, ये पीटीआईडीपी को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें भारत स्वाभिमान की जो भूमिका है वो ये है कि हमने जो है ना व्यवस्थापक के रूप में काम करना है, उस व्यवस्था बना के रखनी है, और व्यवस्था में जो इनका सारा अरेंजमेंट है वो सब भारत स्वाभिमान की तरफ से किया जा रहा है, और हरियाणा योग परिषद की तरफ से भारत स्वाभिमान को प्रत्येक जिले में व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किया गया है। मेरा नाम अंकुश शर्मा, मैं हरियाणा योग परिषद हरियाणा से मुख्य योग शिक्षक का दायित्व निभा रहा हूँ, और मुझे आज बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं योग रूपी इस पवित्र विद्या को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, और इसका माध्यम जो बने हुए हैं वो हमारे पीटीआई और डीपीआई शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हैं, और मैं सभी अध्यापकों से यह कहना चाहता हूं कि आप सभी यहां से योग की जो ये गूढ़ विद्या है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीख कर जाएं, और जब आप धरातल पर जाएंगे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमारे द्वारा सिखाए गए योग शिक्षक फील्ड में जाकर के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के योग शिविर में योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुछ शारीरिक शिक्षकों से हमारे चैनल द्वारा बातचीत की गई। मैं बलिंदर कुमार, जे ट्रिपल एस खुर्दबंद से, मैं एज ए डी पी कार्यरत हूँ, और ये जो 7 दिवसीय कैंप है इसमें ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो यहाँ पे योगा के जो स्पेशलिस्ट हैं जय कुमार जी और उनकी जो टीम है डॉक्टर शिव कुमार जी, इनके द्वारा जो भी अभ्यास यहाँ पे योग अभ्यास कराया गया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये योग को एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं, जो कि ये सरकार का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू। मैं मोनिका पंचाल, पीटीआई फ्रॉम रादौर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हूँ, और मैं तकरीबन 1998 से योग से जुड़ी हुई हूँ, चाइल्डहुड से। उस समय तो मतलब एज ए फीमेल मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सभी लड़कियाँ जो हैं स्पोर्ट्स में नहीं आ पाती हैं, योग को जो है एक स्पोर्ट्स से अलग रखा हुआ है। आज हमें ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि योग को अब ओलंपिक में भी शामिल किया गया है, ये जानकर हमें बहुत खुशी है कि इसका सबसे बड़ा फायदा उन लड़कियों को ज़रूर होगा जो योग से पिछड़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट जेंट्स अदर स्पोर्ट्स में निकल जाते हैं लेकिन लड़कियां जो हैं फिजिकल उनमें डिफॉर्मिटीज रह जाती हैं। मेरा ये मानना है कि योगा को अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तो लेडीज को सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। इस कैंप के दौरान एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, और सभी जो हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर शिक्षक हैं जो भी यहाँ पर पधारे हैं ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, सभी का बहुत अच्छा कोऑपरेट यहाँ पर है, एक दूसरे के साथ सभी कोऑपरेटिव हैं। धन्यवाद। मैं मदनलाल डीपी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंबल से। मैंने 2015 में से जैसे ये योग दिवस की ट्रेनिंग शुरू हुई थी उस समय करता था हर साल, लेकिन थोड़े दिन में छोड़ देता था, लेकिन मैंने ये देखा कि उस समय जब भी कोर्स होते थे तो मेरा वेट 5 से 7 किलो वेट कम हो जाता था। अब बीच में लॉकडाउन लगा, शरीर फिर वैसे ही हो गए, अब मैं कभी से वेट काफ़ी दिनों से वेट करूँ कि कभी ये ट्रेनिंग आए और हम इस योगा का फ़ायदा उठाएं। तो अब भी मुझे पूरी उम्मीद है इन 7 दिनों में मैं अपना काफ़ी वेट लूज करूँगा और शरीर भी हष्ट-पुष्ट रहेगा, और इसको आगे कंटिन्यू खुद भी रखूँगा, परिवार वालों से भी रखाऊंगा, जो मोहल्ले पड़ोस वाले हैं उनको भी मैं योगा करने के लिए प्रेरित करूंगा। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से योग का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके समस्त शारीरिक शिक्षक व अन्य अध्यापक धरातल पर जाकर योग का व्यापक विस्तार व प्रचार करेंगे तथा योग को जन जन तक पहुंचाएंगे ताकि सभी व्यक्ति निरोगी हो सकें। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।